देखो राधे कैसे करें बाबू, काव्या बाबू आ गए, ये सब है ना, हमको क्या निकालना बाबू, ये निकालना, एलसीएम निकालना, एलसीएम निकालना। जैसे कोई बोल दे बाबू, जैसे बोल दे बाबू, एलसीएम बाबू फाइंड आउट दे एलसीएम बाबू, मन से पढ़ना। हाँ के बाबू, दोनों मेथड से बनाना था। कभी आप बाबू आधा अधूरा बना के क्यों छोड़ दें? दोनों मेथड से बना काम ना, एक वो पेजे भेजे थे बाबू। अब शांति से समझना, शांति से समझना है ना, शांति से समझना। देखो बाबू, शांति से समझना। देखो फर्स्ट मेथड में हम लोग क्या करेंगे, क्या बाबू, टू है बाबू, थ्री है बाबू, फोर है बाबू, फाइव है, ठीक। तो बाबू हम लोग पहले सोचेंगे, शांति से समझो, हम लोग पहले सोचेंगे कि अगर इसमें टू से डिवाइड होने वाला कोई नंबर है ना, तो टू एगो प्रेजेंट है, तो ये टू से डिवाइड होगा। तो टू का टेबल पढ़ो, कितने टाइम में टू आ जाए, यहाँ वाला का टेबल पढ़ना है, टू कितने बार में आ रहा है, वन बार में आ जाएगा तो वन हो जाएगा। टू का टेबल पढ़ो, थ्री टू के टेबल में आता है। सर, हाँ एलसीएम टू का अगर टू ही वहां पे लिखा रहता और बाकी थ्री फाइव और सेवन लिखा रहता तो टू से नहीं होता ना, दो डिजिट मैक्सिमम होना चाहिए ना। नहीं बाबू, एक को डिजिट रहेगा तो कर देना, कल से बताया था समझ में, वो सब स्कूल में फॉलो होता है, ठीक है ना। दो डिजिट में गुड़ गुड़ मत करो, एक को रहेगा तो हम लोग लगा लेंगे, ठीक। नेक्स्ट बाबू, टू से बाबू यहाँ थ्री बाबू, तो टू के टेबल में थ्री आता है, नहीं आता तो जिसके टेबल में नहीं आएगा वही नंबर लिख देना। नेक्स्ट बाबू, फोर है तो टू के टेबल में फोर आता है, हाँ सर, टू टू जब फोर, कितने टाइम में फोर आएगा, टू टाइम में, तो यहाँ पे टू लिखना। टू के टेबल में फाइव आता है, नहीं आता तो हम लोग यही फाइव लिख देंगे, ठीक। हमको बाबू तब तक बाबू आपको एलसीएम परफॉर्म करना है जब तक बाबू लास्ट में वन वन नहीं बचे, वन वन नहीं बचे, ठीक, वन वन नहीं बचे, है ना। फिर बाबू यहाँ पे देखो टू प्रेजेंट है बाबू, तो फिर यहाँ टू से डिवाइड कर देना, वन रहेगा वन लिख देना। टू के टेबल में थ्री आएगा, नहीं आएगा तो, नहीं आएगा तो वही थ्री नंबर लिख देना। टू के टेबल में टू आएगा, हाँ सर आता है सर, कितना टाइम में, वन टाइम में, है ना, ठीक हो। नेक्स्ट बाबू, टू के टेबल में फाइव आएगा, नहीं आएगा, टू टू या फोर, टू थ्री या सिक्स आएगा, तो नहीं आएगा तो वही लिख देना। नेक्स्ट बाबू यहाँ पे क्या बाबू, थ्री है ना, तो किससे डिवाइड करना, यहाँ थ्री लिखना, वन रहेगा वन लिखना, थ्री का टेबल में थ्री कितने बार में, एक बार में, तो यहाँ वन लिख देना। यहाँ पे कितना लिख देना, वन लिख देना। थ्री के टेबल में फाइव आता है, नहीं आता, ठीक, देखो फाइव बच गया। हमको जब तक बाबू ये एलसीएम परफॉर्म करना हो, जब तक लास्ट में क्या हो जाए, वन वन नहीं हो जाए, देखो फाइव बच गया, तो फिर यहाँ किससे लगा दो, फाइव से लगा दो, तो ये वन हो गया, वन हो गया, वन हो गया। आप लोग को स्कूल में क्या बताया जाएगा कि हम लोग अभी तब तक वो करेंगे जब तक इसमें लास्ट दो नंबर नहीं रहे। वो भी मेथड सही है, लेकिन उसमें ज्यादा सोचना पड़ता है ना, दो गो नंबर है वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। हम लोग क्या करें, एक को नंबर रहेगा वो डिवाइड होगा ना, तो उससे डिवाइड कर देंगे, एक ही नंबर रहेगा डिवाइड होगा तो उससे हम लोग डिवाइड करेंगे, उतना ना सोचेंगे। तब तक डिवाइड करते जाएंगे जब तक लास्ट में क्या हो जाए, वन वन नहीं हो जाए, वन वन है ना, ठीक हो। तो इधर जो नंबर आ गया इसको क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम कितना हो जाएगा, टू मल्टीप्लाई टू मल्टीप्लाई थ्री मल्टीप्लाई फाइव, दो दो चार, तो या बारह पच्चीस सिक्सटी हो जाएगा, कितना हो जाएगा, सिक्सटी हो जाएगा, सिक्सटी हो जाएगा, ठीक। ये हो गया फर्स्ट मेथड। सेकेंड मेथड बहुत, सेकेंड मेथड देखो बहु, सेकेंड मेथड समझना, सेकेंड मेथड क्या करना बहुत समझना थोड़ा, ये बहु सेकेंड मेथड का बहुत सबसे लंबा को, कैसे आया मुझे समझ नहीं इसको आया। इसको मल्टीप्लाई करने आता है। टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, सर फोर, फोर को थ्री से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ट्वेल्व, ट्वेल्व को फाइव से करेंगे तो कितना हो जाएगा सर सिक्सटी। तो इसी तरह से करते हैं ना, वही मल्टीप्लाई करते हैं। देखो सेकेंड मेथड में क्या करना बाबू, सेकेंड मेथड में क्या करना, शांति से समझना। सेकेंड मेथड लिखोगे बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगा। आपको क्या करा, एलसीएम निकालने का रहा, किसका सर, टू सर, थ्री सर, फोर सर, फाइव सर। अब समझना यहाँ पे, ये बाबू ये वाला समझ गया बाबू, ये बाबू थोड़ा लंबा जाएगा, पहले ही बोल रहे हैं बाबू, है ना। इसमें सेकेंड मेथड में आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ा वाला नंबर पकड़ना, टू थ्री फोर फाइव में सबसे बड़का नंबर कौन है, फाइव है ना, ठीक बाबू। अब उसके बाद क्या करना बाबू, उसके बाद क्या करना बाबू, है ना, फाइव है सबसे बड़ा नंबर। अब आपको बारी बारी से देखना है, टू के टेबल में फाइव आता है,
टू के टर्म में फाइव नहीं आता, टू टू वन वन, टू टू जो फोर, टू थ्री जो सिक्स होता, नहीं आता। तो फिर इसके बाद अगला टेबल पढ़ना है, फाइव का अगला टेबल क्या होगा, फाइव टू जो कितना होता है, टेन होता है। फिर देखना है टू के टेबल में टेन आता है, हाँ सर टू फाइव जो टेन, थ्री के टेबल में टेन आता है, नहीं आता। तो फिर इसका अगला टेबल पढ़ना है, फाइव वन जो फोर वन, फाइव टू जो टेन, फाइव थ्री जो कितना होता है, फिफ्टीन होता है, है ना, फिफ्टीन होता है। ठीक, फिर देखना टू के टेबल में फिफ्टीन आएगा, नो सर नहीं, एको के टेबल में नहीं आएगा। तो फिर अगला टेबल पढ़ना, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव ट्वेंटी जा कितना, फाइव फोर जा ट्वेंटी होगा, ट्वेंटी। फिर देखना टू के टेबल में ट्वेंटी आएगा, यस सर टू टेन जा, थ्री के टेबल में ट्वेंटी आता है, नहीं नो सर, थ्री के टेबल में नहीं आएगा। तो फिर इसका अगला टेबल पढ़ना, फाइव का फाइव फोर जा ट्वेंटी, फाइव का अगला टेबल क्या आ जाएगा, ट्वेंटी फाइव हो जाएगा। फिर देखना टू के टेबल में ट्वेंटी फाइव, तो नहीं आया। तो फिर अगला टेबल पढ़ना, ट्वेंटी फाइव में फिर फाइव ऐड करो कितना हो जाएगा, थर्टी हो जाएगा। फिर देखेंगे टू के टेबल में फोर से मल्टीप्लाई क्यों नहीं कर रहे हैं, हम लोग एको को चेक करेंगे, एक भी चेक करेंगे, जब इससे भी हो जाएगा, इससे हो जाएगा, तब हम लोग फोर वाले के बारे में सोचेंगे, है ना, फोर के बारे में सोचेंगे, है ना। टू के देखो ट्वेंटी थर्टी है, टू के टेबल में थर्टी आता है, फिफ्टीन टू जा, थ्री के टेबल में थर्टीन, टेन थ्री जा, तो थर्टीन बाबू टू के भी टेबल में आ गया, थ्री के टेबल में आ गया। फोर के बारे में चेक करो, फोर के टेबल में थर्टीन नहीं आएगा, टेबल पढ़ोगे तो फोर के टेबल में थर्टीन नहीं, टू आ जाता है, हाँ ना, थर्टी टू आ जाएगा। तो फिर हमको इसका अगला टेबल पढ़ना, कितना हो जाएगा, थर्टी फोर के बाद, थर्टी के बाद कितना, थर्टी फाइव हो जाएगा। फाइव वन जा फाइव, फाइव टू जा टेन, फाइव थ्री जा फिफ्टीन, फाइव फोर जा ट्वेंटी, ट्वेंटी फाइव, फाइव सिक्स जा थर्टी, थर्टी फाइव। फिर चेक टू के टेबल में थर्टी फाइव नहीं आएगा। तो फिर अगला टेबल पढ़ो, कितना हो जाएगा, फोर्टी हो जाएगा। फिर आपको देखना टू के टेबल में फोर्टीन, हाँ सर ट्वेंटी टू जा फोर्टी होता, थ्री के टेबल में फोर्टीन नहीं होता, नहीं आपको पता कैसे चलेगा, तो नहीं तो इधर डिवाइड करना, थ्री के टेबल से फोर्टीन डिवाइड करना, वन टाइम में थ्री होगा वो वन हो जाएगा, जीरो हो जाएगा थ्री होगा, रिमाइंडर नाइन हो गया जीरो हो गया ना, रिमाइंडर वन हो जाएगा, वन रिमाइंडर बचेगा मतलब नहीं आएगा, रिमाइंडर जीरो बचना चाहिए, नहीं हुआ। तो फिर वो हम लोग क्या करेंगे, फोर्टी बाबू फोर्टी के बाद क्या करेंगे, फोर्टी फाइव करेंगे, फोर्टी के बाद क्या करेंगे, फोर्टी फाइव करेंगे, क्या करेंगे, फोर्टी फाइव के बारे में सोचेंगे। टू के टेबल में फोर्टी फाइव नहीं आएगा, टू के टेबल में तभी आएगा वो जब इंट प्लेस पे क्या रहेगा, जीरो रहेगा, टू रहेगा, फोर रहेगा, एट रहेगा। थ्री के टेबल में फोर्टी फाइव आता है लेकिन टू वाला नहीं ना आता, तो फिर अगला इसको हम लोग सोचेंगे फिफ्टी सोचेंगे, फिर फिफ्टी और टू के टेबल में फिफ्टी आएगा, हाँ सर टू ट्वेंटी फाइव या फिफ्टी होता, थ्री के टेबल में फिफ्टी नहीं आता, नहीं आया बाबू। तो फिर हम लोग अगला सोचेंगे, फिफ्टी बाबू अगला क्या हो जाएगा, फिफ्टी फाइव हो जाएगा। पांच पांच ऐड करते चलना, पांच पांच ऐड करते चलना, थ्री के टू के टेबल में फिफ्टी फाइव नहीं आ रहा, नहीं आएगा। फिर इसमें फाइव ऐड करेंगे तो आगे कितना हो जाएगा, सिक्सटी हो जाएगा। अब देखो टू के टेबल में सिक्सटी आता है तो नहीं समझ में आ गया, तो टू से बाबू सिक्सटी ऐसे डिवाइड करना, थ्री टाइम में सिक्स हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, जीरो हो गया, रिमाइंडर क्या होगा, टू के टेबल में भी सिक्सटीन आएगा बाबू, थ्री के भी टेबल में सिक्सटीन, थ्री के टेबल में बाबू ट्वेंटी थ्री या सिक्सटीन। अब फोर के भी टेबल में सिक्सटीन आता है, फिफ्टीन फोर जा फिफ्टीन, फोर जा सिक्सटीन होता, तो ये सिक्सटीन बाबू ये सारे के टेबल में आ गया, सारे के टेबल में आ गया, तो इसीलिए क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये क्या हो गया, एलसीएम हो गया, ये सिक्सटीन आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, सिक्सटीन क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। हाँ बाबू, तो इसीलिए ना आपको हम ये वाला क्वेश्चन लिए जानकर बाबू, है ना कि बाबू, मान लो बाबू कभी नहीं मिले तो इस तरह से आगे बढ़ते चलना, बढ़ते चलना, एलसीएम हो बाबू, एलसीएम हो बाबू, टू थ्री फोर का कितना हो जाएगा, सिक्सटीन। अब राइट डाउन कीजिए सर। हाँ सर, अगर जैसे कि सिक्स टेन जो सिक्सटी होता है और सिक्स टेन जो सिक्सटी से भी आगे जा रहा है तो क्या करेंगे, कौन सा नंबर लगाएंगे, आगे बढ़ते चलेंगे। अब सिक्सटी के बाद सिक्सटी फाइव, सिक्सटी फाइव के बाद सेवेंटी, पांच पांच जोड़ते चलेंगे, फाइव वाला है ना, फाइव का टेबल है बाबू, फाइव का टेबल है ना, तो फाइव ना ऐड करेंगे, एट का टेबल रहता तो एट ऐड करते हैं, सिक्स टेबल का सिक्स ऐड करेंगे, हाँ सिक्स ऐड करेंगे, सिक्स ऐड ऐड करते चलेंगे। मैंने सर में फोर घेरा कर दिया और जो एलसीएम आया उसे स्क्वायर में उसके अंदर डाल दिया। यस सर, देखो सर मेरा हो गया,
शैतान सारे को लिखने दीजिए, समझाते जब नहीं लिखते आप लोग। तो ये कुछ कुछ बाबू है ना, आपको हम सारा टाइप का क्वेश्चन करवाएंगे, कंसेप्ट क्लास है बाबू, ये स्कूल वाला क्लास नहीं बाबू। आपको जो भी पढ़ाएंगे पूरे डिटेल से पढ़ाएंगे, ताकि बाबू अपने टीचर को पढ़ा सको। हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे बाबू कि अपने टीचर को पढ़ा सको, उसी उद्देश्य से पढ़ो। लिखिए बाबू, काव्य समझे? सर आप 60 एलसीएम के बाद क्या लिखेंगे? कुछ नहीं बाबू, आयरो दिया हुआ, उसके बाद एलसीएम लिखा, उसके बाद कुछ नहीं। सर सर आपने जो ऊपर फर्स्ट मेथड में जो आपने एरो दिया है नीचे, उसको भी करना है? ये एरो ये बताएं बाबू कि ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई कर देना। आई हैव डन सर। वेरी गुड बाबू, आई सो वीडियो ऑन की जाइयो। डन सर। क्या इधर उधर कर रही है? जल्दी लिखो, जल्दी लिखे। अब बैठ के क्या करी अंशिका, समझ में आ गया नहीं थी? एक दो क्वेश्चन और करते बाबू, उसके बाद हम लोग एडिशन पढ़ेंगे, फ्रैक्शन का क्या पढ़ेंगे। लिखे हो, लिखिए सर। एससीएफ नहीं बताएंगे? अच्छा एससीएफ भी थोड़ा सा बता देंगे, थोड़ा सा बता देंगे, इससे भी बता देंगे। सर एससीएफ मुझे आता है। आता है तो अच्छी बात है बाबू। अब बाबू क्या बोलते हैं बाबू, अति नैतिक बाबू, बुक नहीं पहुंचा बाबू? सर पहुंच गए। पहुंच गए बाबू, चलो अच्छी बात है। उससे बाबू किसको बोलते हैं, नंदनी बाबू, ए राज नंदनी। अच्छा इसमें नहीं बाबू राज नंदनी, उसको बोलिएगा वो राज नंदनी बाबू। अलजेब्रा उससे कोशिश कीजिएगा बनाने का बाबू, कुछ कुछ क्वेश्चन बनाइएगा अलजेब्रा, ठीक है राजनंदनी? यस सर। थर्ड चैप्टर जो है बुक में बाबू। यस सर देखिए। हाँ देख के बनाइएगा, नहीं बनेगा उसको फिर हम लोग, बहुत सारे क्वेश्चन नहीं बनेंगे लेकिन जितना बन रहा है उसको बनाइएगा, क्योंकि अभी सारा कंसेप्ट अलजेब्रा का हम नहीं बताने बाबू, सब पेरेंट्स से हल्ला करने लगे। लिखिए बाबू, बाकी आपके लिए अभी नहीं है बुक बाबू, नैतिक है ना? लिखे जल्दी लिखो, जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू। नेक्स्ट बाबू, फाइंड आउट द एलसीएम बाबू, एलसीएम बाबू, एलसीएम बाबू। 4 है, 6 है, 8 है, और बाबू कितना 10 है, तो 10 हो जाएगा वो बहुत लंबा चल जाएगा, 10 हो जाएगा तो वो। हेलो 12 ले लो, ठीक, जिसका एलसीएम निकालने का रहा 4 6 8 12 का, 4 6 8 12 का, देखो कैसे निकालना, वो कैसे निकालना है बाबू, ठीक है।
16 बाबू 16 भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बगल में 16 भी कर लो। तो कैसे करेंगे, फर्स्ट मेथड क्या हो, 4, 8, 12, 16, हम लोग पहले दो से देखेंगे, वो दो से डिवाइड होने वाला नंबर आता है, सारा का सारा नंबर वो दो से डिवाइड हो रहा है ना, दो के टेबल में सारा का सारा आता है, तो दो के टेबल में कितना आएगा, टू टाइम में 8 बाबू कितना होगा, 4 टाइम में 12, 2 से डिवाइड, 2 के टेबल में और 12 कितने सर टाइम, और आपने 6 तो लिखा ही नहीं, 4 के बाद सीधा 8। अच्छा ठीक है, हम लोग क्या करें बाबू, 6 हो गया बाबू और ये 8 हो गया, ठीक। अब यहाँ से बाबू आपको टेबल पढ़ना है ना बाबू, 2 का टेबल पढ़ो, 4 कितने बार में आएगा, 2 बार में, 2 का टेबल टू पढ़ो, 6 कितने टाइम में आता, 3 टाइम में 2 3 6 थ्री होता है, 2 का टेबल पढ़ो, 8 कितने टाइम में, 4 टाइम में, 2 का टेबल 12 कितने टाइम में, 6 टाइम में, 6 2 का टेबल पढ़ो 16 कितने टाइम में, 8 टाइम में, जितना एट टाइम में टाइम आएगा उसको उसको नीचे लिखना, नीचे लिखना, ठीक। नेक्स्ट बाबू फिर वो देखो 2 के टेबल में सारे नंबर आ रहे बाबू, तो हमको 2 से करना, 2 का टेबल पढ़ो, 2 कितने बार में, 1 टाइम में, 1 टाइम में आएगा तो 1 नीचे लिखना, 2 के टेबल में 3 आएगा, नहीं आएगा जिसको वही नंबर लिख देना, 2 का टेबल पढ़ो, 4 कितने टाइम में, 2 2 जब 4 होता था 2 टाइम आता, 2 को नीचे लिखना, 2 का टेबल पढ़ो, 6 कितने बार में आता है, 3 बार में, तो 2 3 जा 6 होता है, 2 का टेबल पढ़ो, 8 कितने बार में आएगा, 4 टाइम में, तो 4 हो गया। फिर वो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी है, वो 4 भी 2 आ रहा है, तो फिर 2 से करना, ये 1 हो गया, 3 को 3 लिख दो, 2 का टेबल पढ़ो, 2 कितना, 1 बार में, 2 का टेबल पढ़ो, 3 नहीं आया, 2 के टेबल 3 नहीं आता तो 3 लिख दो, 2 का टेबल पढ़ो, 4 कितने टाइम में, 2 टाइम में, फिर यहाँ वो 2 बच गया, तो हम लोग बाबू तब तक डिवाइड करते चले, वो जब तक लास्ट में क्या हो जाए, 1 1 नहीं आ जाए, एक को 2 रहेगा बाबू, एक भी 2 रहेगा तो हम लोग 2 से लगा देंगे, 3 रहेगा 3 से, एक भी लगेगा तो लगा देंगे, मिनिमम एक ही एक रहना चाहिए, तो फिर 2 करेंगे तो 1 हो गया बाबू, 3 हो गया बाबू, 1 हो गया बाबू, 3 हो गया और ये 1 हो गया। अब यहाँ पे 2 से डिवाइड होने वाला कोई नंबर नहीं, तो हम लोग क्या देखेंगे, 3 से देखेंगे, 3 है बाबू तो 1 रहेगा तो 1 ही लिख देना, 3 के टेबल पर 3 कितना टाइम, 1 टाइम में, 3 के टेबल पर 1 हो गया, 3 के टेबल पर 3 कितना, 1 टाइम में और ये 1 हो गया, ठीक। नेक्स्ट बाबू तो एलसीएम मेरा कितना हो जाएगा, इधर सारे को मल्टीप्लाई कर दो, जो भी इधर मल्टीप्लाई कर दो, एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, सो 4 टाइम हो गया बाबू, मल्टीप्लाई 3, इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, इसे मल्टीप्लाई करना बाबू लोग, नेक्स्ट सेकेंड मेथड देखो, 48 48 48 48, अरे लोग को उसको मल्टीप्लाई करने देता ना शैतान, सेकेंड मेथड में हम लोग क्या करें बाबू, हम लोग क्या करेंगे, बड़का नंबर को आपको है ना बाबू, जो सबसे बड़ा नंबर बाबू उसको कैच करना, उसको पकड़ना, 4 हो गया बाबू, 6 हो गया बाबू, 8 हो गया, 12 हो गया बाबू और कितना हो गया, 16 हो गया, तो बड़ा नंबर क्या है, 16 है। अब आपको देखना है लोग, इधर देखो बाबू, शैतान खाली लिखता रहता है इसीलिए समझ में नहीं आता, 2 के 4 के टेबल में 16 आता है लोग, बताओ 4 के टेबल में, हाँ यस सर आता है 16, 6 के टेबल में 16 आता है, नो सर, नो सर, लिख आ रहा है बाबू, इधर देखो दीपांशु वीडियो ऑन कीजिए, तो नहीं आएगा तो अगला टेबल पड़ेगा, अगला टेबल पढ़ना, 16 का अगला टेबल क्या होगा, 32 हो जाएगा, 16 2 जा कितना होता है, 32 होता है, फिर से चेक करना, 4 के टेबल में 32 आता है, बोलो यस सर आता है सर, 8, 6 के टेबल में 32 आता, दीपांशु दीपांशु बाबू दीपांशु बोले हो कि मम्मी को फोन लगा, नहीं आता सर, यस सर नहीं आता, नहीं, 6 के टेबल में 32 आता है दीपांशु, 6 टेबल में, नो सर, नो सर, तो हम लोग अगला टेबल पढ़ेंगे, 6 2 जा 32, 6 3 जा कितना होता है, 48 होता है, अब फिर से चेक करना, 4 के टेबल में 48 आएगा, बोलो दीपांशु, यस सर, यस सर आ जाएगा, 6 का टेबल 48 आता है, यस सर, कितना टाइम में आएगा बताइए तो सर, 8 टाइम में, हाँ बाबू 8 के टेबल में 48 आएगा, यस सर 6 टाइम में, 12 के टेबल में 48 आता है, नो सर, अरे 12 4 जा 48 होता है, 12 4 जा 48 आता है, तो यही एलसीएम हो गया बाबू, ये सारे के टेबल में आ गए तो ये आपका एलसीएम हो गया, यही एलसीएम हो जाएगा,
यही क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। देयरफॉर बाबू 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 12 हो गया, तो 16 हो गया। हाँ बाबू एलसीएम हो बाबू, 4 6 8 हो गया बाबू, 12 हो गया, 16 हो गया, कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। अच्छी भाई साथ गंदे लेले पाल पत के ही गंदे बाबू। दीपांशु बहुत पीटेंगे बाबू, दीपांशु सर लिखे जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। जल्दी लिखे दीपांशु, वीडियो का बंद है दीपांशु, सलोनी बाबू ऑन कीजिए। समझ में आ रहा सलोनी? यस सर। तेज हो जाओगे बाबू। सलोनी सर तेज हो जाओगी? यस सर। चलिए बाबू अब हम लोग एचसीएफ सीखते हैं। लिख ले दीपांशु, नैतिक लिख ले बाबू, नैतिक बाबू। नो सर अभी बस उसका आंसर लिख रहा हूँ। जल्दी लिखे, जल्दी लिखे। नैतिक चला क्यों गए बाबू? सर शायद उसका नेटवर्क नहीं पकड़ रहा होगा। कहाँ गया था दीपांशु? नैतिक बाबू कहाँ गया था? सर नेटवर्क नहीं आ रहा था सर। चलिए अब हम लोग एचसीएफ सीखेंगे, हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल फैक्टर सीखेंगे। यस सर। थोड़ा एचसीएफ भी सिखा देते हो, एलसीएम का भाई बाबू एचसीएफ है ना? ये एलसीएम बाबू तो आप लोग को बाबू कोई भी क्वेश्चन आएगा बाबू, कुछ कुछ क्वेश्चन बाबू हम लोग डायरेक्ट बाबू जो सेकंड मेथड है इसे डायरेक्ट देख के बता सकते हो, डायरेक्ट देख के बता सकते हो, है ना बाबू? डन सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? एचसीएफ पढ़ेंगे। क्या होता फुल फॉर्म बाबू? हाईएस्ट होता बाबू। मल्टीपल होता है सर। अगर आधा पे छूट गया होगा तो उसमें उसमें लिख सकते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ बाबू बोलो, कॉमन फैक्टर होगा, कॉमन फैक्टर फैक्टर होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अरे बाबू आधा पेज बचा के क्या करोगे, नया पेज पे लिखो बाबू, बीच में टोल दे बाबू बोल देते ना, इसलिए बाबू डाइवर्ट हो जाता है आदमी, है ना, जीवन ध्यान उधर चल जाता है। जैसे क्या होगा बाबू, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जैसे क्वेश्चन क्या करेगा वो कहेगा बाबू फाइंड द बाबू, फाइंड द एचसीएफ ऑफ बाबू, एचसीएफ ऑफ बाबू, फाइंड द बाबू एचसीएफ ऑफ
किसका सर है ना बाबू? जैसे बाबू मान लो टू है बाबू, और बाबू कितना सेवन है। पहले सबसे छोटा का नंबर लेते हैं ना, इसका एचसीएफ निकालने के लिए। तो कैसे निकालना, यहाँ पे टू लिखना बाबू, और जो बड़ा नंबर आएगा उसको डिविडेंड, ये डिवाइजर हो गया, डिविडेंड हो गया। अब आपको क्या करना बाबू, यहाँ पे वो टू का टेबल पढ़ना है, जैसे डिवाइड हम लोग करते हैं, या तो सेवन आ जाए, सेवन से कम आवे। तो टू का पढ़ेंगे टेबल कितना, थ्री टाइम में कितना आएगा, सिक्स आएगा। इसको सब ट्राइड कर देना, सेवन में सिक्स सबट्राइड करो क्या होगा, वन होगा। फिर बाबू इस वन को बाबू क्या करना, वन को इस टू को बाबू किससे, वन से डिवाइड करना, वन से डिवाइड करते वन हो गया। ये वाला जो है डिविजर, इसको यहाँ लिख देना। फिर वो टेबल पढ़ना वन का, वन का टेबल कितने टाइम में टू आएगा, टू टाइम में वन टू या टू होगा। इसको सब ट्राइड कर दो, तो जब तक हम लोग परफॉर्म करेंगे जब तक लास्ट में डिविडेंड क्या जाए, जीरो नहीं आता है ना। तो यहाँ पे जो नंबर आएगा सबसे लास्ट में, यही आपका क्या होगा, एस सी एफ होगा। ये जो नंबर बचा यही आपका क्या होगा, एस सी एफ होगा। मतलब एस सी एफ बाबू, एस सी एफ बाबू, एस सी एफ बाबू, कोई टू और सेवन का पूछे तो कितना होगा, वन होगा, है ना। कोई टू और सेवन का एस सी एफ पूछे तो क्या होगा, वन होगा, वन होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड बाबू। सर ये क्या आपका मेथड है कि स्कूल का मेथड है? ये स्कूल मेथड है, ये स्कूल मेथड है, ये स्कूल मेथड है। सर पर स्कूल में ऐसा नहीं बताता है। यस सर, ऐसा नहीं बताता है। कैसे बताता है सर? उसको अलग अलग करते हैं सर, टू का पहले फिर सेवन का टेबल लिखते हैं, जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है उसे सर्कल करके लिख देते हैं। यस सर, पहले टू का फैक्टर निकालते हैं, फिर सेवन का, फिर सेवन का फैक्टर, फिर दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल के सर्कल करके, और उसी वही आता है। अरे मेरे लाल, ठीक है मेरे लाल, तो फैक्टर मेरा बच्चा को नहीं निकालेगा तो कैसे करेगा वो बताओ। फैक्टर अगर नहीं निकालेगा वो तो दिक्कत हो जाएगा बाबू। वैसे भी कर देते हैं, स्कूल वाला मेथड बता देते हैं। ये वो ऐसे वो तीन चार मेथड से निकालेंगे, तीन चार मेथड से निकालेंगे। देखो सेकंड मेथड, टू है बाबू, हमको सेकंड मेथड में क्या निकालना, टू दिया तो पहले फैक्टर ऑफ टू निकालना, फैक्टर ऑफ टू निकालना। तो टू का फैक्टर क्या होगा, टू का फैक्टर निकालना, फैक्टर ऑफ टू निकालना, फैक्टर ऑफ क्या निकालना, टू निकालना, ठीक। तो फैक्टर ऑफ टू क्या होगा, टू का फैक्टर हम लोग कैसे निकालेंगे बताइए। हाँ बाबू, टू का हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू का फैक्टर क्या होगा, एक वन होगा बाबू, वन इंटू क्या लिखेंगे, टू लिखेंगे, यही लिखेंगे बाबू। हाँ उसी तरह सेवन का फैक्टर निकालो, फैक्टर ऑफ बाबू सेवन लिखो, फैक्टर ऑफ बाबू क्या लिखो, सेवन लिखो। तो सेवन को क्या लिख सकते हो, वन इंटू सेवन लिख सकते हो कि नहीं, समझ में आ रहा बाबू? यस सर। चलो ठीक है, यस सर आ रहा है। नेक्स्ट बाबू, तो बाबू अब इस दोनों में जो कॉमन होगा वही आपका क्या होगा, एस सी एफ हो जाएगा, जो कॉमन होगा। तो दोनों में क्या मिल गया, वन मिल गया, तो इसलिए एस सी एफ कितना हो जाएगा, वन हो जाएगा। जो दोनों में मिल जाएगा उसी का क्या हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा, एस सी एफ हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट लिखे, और लिखे लिखे बाबू, ये डिवीजन मेथड हो गया, ये लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, ये फैक्टर मेथड हो गया, ये आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड हो गया, ये फैक्टर मेथड हो गया। यस सर, मुझे लॉन्ग डिवीजन मेथड भी बताएं। लिखिए, बताते वो बताते, और दो मेथड और होता तो आपको बाबू बुक में एलसीएम में सेव करके एक चैप्टर पढ़ा हो बाबू, है ना। तो उसमें एलसीएम का चार मेथड है, ये बाबू एचसीएफ का चार मेथड है ना। अभी थोड़ा बड़ा होगा तो इसको डायरेक्ट इसका एचसीएफ आप लोग वन बोलो, थोड़ा सा बड़ा हो जाओ ना तो डायरेक्ट वन। हाँ बाबू, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी होता है। हाँ बाबू, प्राइम फैक्टर जो हम लोग फैक्टर करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन ही करते हैं। उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है? HCF है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। सर प्राइम फैक्टराइजेशन का उसका कोई शॉर्ट फॉर्म नहीं होता है सर? PF ऐसा कोई नहीं, वो कहीं लिखा हुआ नहीं आपको? नो सर, उसका नहीं होता है, उसका पूरा फुल फॉर्म ही होता है बस दिया हुआ। लिखे बाबू, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं। डन सर, वेरी गुड बाबू।
भागा कौन जी, नैतिक नैतिक है ये, अज्ञा है ये, दीपांशु है ये, है आलोक है ये, है एगो कौन भागा बाबू, सलोनी भी है ये, तो भागा कौन जी। अभी आप लोग 12 थे बाबू, काव्या काव्या बाबू वो रेगुलर नहीं करती है, इस तरह हमारी की बाबू क्लास रेगुलर कर लेती है, काव्या कभी मूवी में कभी इधर कभी उधर यही सब में बिजी रहती, सिंसियर है ही नहीं बाबू, कहाँ से सीखेगी। एक महीने से क्लास कर रही बाबू, मुश्किल से 10 दिन 15 दिन क्लास की होगी, बाकी दिन कभी मूवी कभी बर्थडे कभी नींद कभी मोबाइल ये वो, लिखे वो जल्दी से कभी सर आपने जो वो सर्कल जैसे, हाँ ये इसको भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए। देखो क्या करना बाबू, जैसे वो आपको कोई कहे एलसीएफ निकालना बाबू, एलसीएफ निकालना बाबू, थ्री का वो आप क्या कहते हैं 17 कह दे, ठीक तो कैसे निकालोगे, कैसे निकालोगे हम लोग, क्या यहाँ थ्री लिखें बाबू और 17 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, अब थ्री का टेबल पढ़ना, या तो 17 आ जाए नहीं तो 17 से छोटा आ जाए, तो 3 5 जा कितना होता है 15 होता है, ठीक थ्री का टेबल पढ़ो बाबू, या तो 17 आ जाए चाहे 17 से छोटा आ जाए, तो 3 5 जा क्या होगा 15 होगा, 17 से छोटा है, उसके बाद करोगे तो 18 आ जाएगा, 3 6 जा कितना हो जाए 18 हो जाए, तो यहाँ वाला जो नंबर है वो नंबर लाना है, नहीं तो इसे कोई छोटा नंबर आ जाए, ठीक अब इसको क्या करो सब ट्रैड करो, तो 17 में सर वैसे मुझे डिवीजन वाला मेथड नहीं समझ में आ रहा, ठीक नेक्स्ट बाबू, अब इस 2 को बाबू डिवाइड करना है यहाँ 3 से, ठीक फिर 2 का टेबल पढ़ो, या तो बाबू 3 आ जाए बाबू चाहे 3 से छोटा आ जाए, मेरे कोर्स में नहीं है, अरे बाबू आपके कोर्स में बाबू एडी से एलसीएम पढ़ना होगा बाबू सर, लेकिन हम लोग का तो ये 10 11 में होगा, 10 11 में मतलब सर क्लास ये हम लोग नो सर मेरा इतना, अरे सर हम सर हमने तो ये पढ़ा भी दिया 2 3 का चाहिए बाबू आप, अरे लेकिन हम लोग को तो अभी तक नहीं पढ़ाया गया, नहीं पढ़ाया तो आपके स्कूल की गलती है बाबू, ठीक है नहीं सब बच्चा वो आइए लेके जब बच्चा को सिखाया जाता है एलसीएम से निकालना, ठीक 2 है बाबू 3 है तो यहाँ क्या करें वो 1 से करना है, 2 का टेबल पढ़ो 3 कितना टाइम में आ जाए, या तो वो इससे छोटा जाने तो यही आ जाए, तो 2 1 जा कितना होगा 2 हो जाएगा, यहाँ 1 बच गया, ठीक सब ट्रेड करो, फिर ये जो 1 बचा इसको यहाँ पे जो नंबर है उससे डिवाइड कर देना, तो ये 2 हो गया 1 का टेबल पढ़ो 2 कितने टाइम में 2 टाइम में है ना, तो ये इसको सब ट्रेड करोगे तो क्या होगा रिमाइंडर 0 हो जाए, तो लास्ट में जो इधर राइट साइड नंबर बचता है लास्ट में जो लेफ्ट साइड ये नंबर बचता है यही एलसीएफ होता है, यही क्या होगा एलसीएफ हो जाएगा, यहाँ पे जो नंबर बचेगा इसको हम लोग 2 नंबर नहीं लिखा, यही जो बाबू आपका यहाँ पे नंबर बचेगा इसको हम लोग क्या कहेंगे एलसीएफ कहेंगे, तो एलसीएफ आपको कितना हो जाएगा बाबू 3 17 का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 3 17 का एलसीएफ कितना, यहाँ पे जो नंबर बचेगा उसे क्या कहेंगे एलसीएफ कहेंगे, सेकेंड मेथड देखो, सेकेंड मेथड देखो, एक्सक्यूज मी सर, सर अगर यहाँ पर क्या बोलते हैं डिविडेंड डिवाइजर डिविजर तो 3 है, अगर डिविडेंड 15 होता तो ये तो पूरा ही कट जाता फिर हम, हाँ होता था एक बार होता यही वाला एलसीएफ हो जाता, यहाँ पे जो नंबर या इस पोजीशन यहाँ आ जाए यहाँ जाए यहाँ जाए जाए लेफ्ट साइड में वो यहाँ 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 आ जाए तो वही एलसीएफ हो जाएगा, यहाँ वो एक ही बार में कट जाएगा, मान लो यहाँ 15 होता था एक ही बार में कट जाता 5 तो यहाँ एलसीएम कितना हो जाएगा एलसीएफ कितना हो जाएगा 3 हो जाता, समझे Yes, वह करवा देते वह करवा देते हैं, सेकंड में क्या करो 3 का फैक्टर लिखो, 3 का फैक्टर करो, तो 3 का फैक्टर कैसे करो बाबू 3 का फैक्टर, हाँ अगर 12 15 16 रहता डिविडेंड तो क्या करते सर, डिविडेंड मेथड से सर लिखे बाबू 3 का फैक्टर हम लोग करेंगे, 3 का फैक्टर करेंगे क्या लिखेंगे सर 1 into 3 लिखेंगे, 3 का फैक्टर करेंगे कितना लिखेंगे 1 into 3 लिखेंगे, 17 का फैक्टर करो, फैक्टर हो बाबू 17 तो 17 का फैक्टर करो बाबू, तो 17 सिर्फ 1 से मल्टी डिविजुअल है बाबू, और किससे डिविजुअल 17 से डिविजुअल,
तो ये दोनों में जो कॉमन होगा वही HCF हो जाएगा, तो कॉमन क्या है सर, वन है, तो इसलिए HCF कितना हो गया, वन हो गया, HCF कितना हो गया, वन हो गया। सर फर्स्ट मेथड कौन सा है? दोनों ठीक है बाबू, है ना, अभी तो इसमें आपको फैक्टर नहीं, अभी तो छोटे का क्वेश्चन है, तो आराम हो रहा, नहीं तो फैक्टर निकालने में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। सर सर आपने वहां पे बस फैक्टर इक्वल्स टू 1 * 3 लिख दिया, और दूसरे में फैक्टर ऑफ लिख के किए हैं, फैक्टर ऑफ 3 और फैक्टर ऑफ 17 क्यों नहीं लिखे? फैक्टर लिखे, फैक्टर इक्वल टू इतना, बट सर मैंने फैक्टर ऑफ 17 फैक्टर ऑफ 3। अच्छा ठीक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, समझ में आ रहा नहीं ते? सर मुझे बस डिवाइड वाला नहीं समझ में आ रहा, डिवीजन नहीं आता क्या बाबू आपको? नो सर, अगर आंसर में कोई भी जीरो के अलावा कोई भी हो तो उसको भी डिवाइड कर देंगे फिर। हाँ बाबू, हम लोग तब तक डिवाइड करते चलेंगे जब तक लास्ट में जीरो नहीं आ जाए, जीरो नहीं आ जाए। अगर आंसर में 2 आ गया तो और करेंगे, 1 आ गया तो और करेंगे, और फिर 0 लास्ट में। हां आज तक हमको 0 तक करना चाहिए, यहां तक 1 है ना, तो फिर हम लोग किए ना यहां वाला से करते क्या है, करते क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चन करते हैं, समझ में आ जाएगा। डन सर, वेरी गुड बाबू, डन सर। सर यही कंफ्यूजन था अब मुझे, अब अगर आप क्वेश्चन देंगे तो शायद बन जाए मुझसे। आ गया वीडियो बाबू, वीडियो आ गया, नेक्स्ट बाबू, जैसे बाबू अभी उसका एक डाउट था, इसका का डाउट था, मान लो इसका 4 है बाबू, आपको कितना बोल दे, 24 बोल दे, ठीक, अब इसका आप लिख रहे हैं उसको भी लिखेंगे। हाँ मेरे लाल, ये थर्ड नंबर हो गया, अब इसका कर रहा है HCF निकालने का, 4 24 का बाबू इसका, देखो कैसे करना है इसका, फैक्टर मेथड में वो सारे बच्चे को फैक्टर आना चाहिए, जिसको फैक्टर नहीं आएगा वो क्या करेगा, वो लॉन्ग डिवीजन मेथड करेगा, क्या करेगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड करेगा। तो टेबल याद होना चाहिए ना, तो टेबल वो नहीं याद रहेगा तो पढ़ाई छोड़ देगा, फैक्टर में भी बाबू आपको टेबल चाहिए, टेबल सभी जगह चाहिए। 4 है वो तो छोटका नंबर को यहाँ लिखना, बड़ा नंबर को डिविडेंड की पोजिशन पे, ये डिविजर होता है या डिविडेंड होता है, ठीक। अब वो 4 का टेबल पढ़ो, या तो 24 आ जाए, नहीं तो 24 से जस्ट छोटा आ जाए, तो 4 के टेबल में 24 आता, यस सर, 4 से 24, ये हो गया, ये सबट्रैक्ट कर दो, रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया, हमको वहीं पे रुकना हो जब रिमाइंडर 0 आ जाता, रिमाइंडर 0 आया उसके बाद हमको परफॉर्म नहीं करना, तो यहाँ पे जो नंबर बच गया यही आपका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, यही आपका क्या हो जाएगा, HCF होगा, यही क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, मतलब HCF निकालेंगे बाबू, HCF निकालेंगे आप बाबू, 424 का तो कितना हो जाएगा, क्या बोलते हैं, मैं भूल गए इसको क्या, 4 को क्या बोलेंगे जो वहां पे है, डिविजर इसको बोलते हैं, इसको डिविजर बोलते हैं, और आंसर को रिमाइंडर और 6 को कोशेंट, ये आपका डिविजर है, ये आपका कोशेंट है सर, हम डिविजर और कोशेंट भी लिखे हैं। हाँ बाबू, ये आपका रिमाइंडर है, और ये आपका क्या बाबू, डिविडेंड है, ठीक, सेकेंड मेथड से आपको HCF निकालना, हमको क्या लिखना, वो 4 का फैक्टर लिखना था, 4 का फैक्टर कैसे करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, फैक्टर ऑफ बाबू 4 हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फैक्टर ऑफ बाबू 4 का फैक्टर, तो कैसे ने 4 लिखना बाबू, और इस तरह से क्या करना, फैक्टर नहीं का 4 का टेबल पढ़ो, पहले 2 से करना बाबू, तो 2 के टेबल में 4 आता है, हाँ सर, कितने टाइम में, 2 टाइम में, ठीक, फिर 2 से करना, कितने टाइम में, 1 टाइम में,
तो फैक्टर ऑफ फोर कितना होगा? तो इसको फोर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं? फोर को हम लोग क्या लिख सकते हो? फैक्टर ऑफ जो फोर होगा वो फैक्टर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन जब करेंगे, है ना, वो किसका सर? फोर का बाबू कितना होगा? टू मल्टीप्लाई वन। उसी तरह वो 24 का फैक्टर करोगे, 24 का क्या करोगे? फैक्टर करोगे, 24 का फैक्टर करोगे, 24 का करोगे तो पहले 2 टाइम्स में लगाओ वो कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा, है ना। फिर 2 से लगाओ वो कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर 2 से लगाओ कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर 3 से लगाओ तो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 24 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं सर? 24 को कैसे लिख सकते हैं? फैक्टर हो बाबू 24 हम लोग कैसे लिख सकते हैं बताइए? इसको जो भी है उसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 2 3 मल्टीप्लाई कर दो, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब यहाँ पे जो जो कॉमन दिख रहा वही आपका क्या हो जाएगा? HCF हो जाएगा। ये दो दो मिल गया, जो जो मिल गया उसको जोड़ी बना दो, रब ने बना दी जोड़ी कर दो, ठीक। और उसको आपस में क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। 1 भी मिल रहा है तो लिख दो 1 मिल रहा है, तो 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो HCF कितना हो जाएगा? HCF कितना हो जाएगा? जिसका जिसका जोड़ी मिला उसको मल्टीप्लाई कर दो। एक को 2 का जोड़ी मिला, एक को यहाँ 2 का जोड़ी मिला, वो क्या मिला? 1 मिला। तो 2 2 1 ये कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग दोनों मेथड से कर सकते हैं बाबू, है ना। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी हो गया आपका, लॉन्ग डिवीजन हो गया। लॉन्ग डिवीजन बाबू आपको आसान है, प्राइम फैक्टराइजेशन में बाबू आपको प्राइम फैक्टर करना पड़ेगा। यस सर। मान लो बाबू बड़ा नंबर आ गया तो उसका प्राइम, अभी क्वेश्चन देंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, बड़ा नंबर आ गया तो करते करते थक जाओगे। सर अभी जो अपने लाइन ड्रॉ करके 2024 ये सब लिखा ना सर, फैक्टर ऑफ 4 इक्वल टू लाइन गेज का कुछ किया। हाँ तो वो भी लिखना, वो भी जितना बोर्ड पे लिखा हो सारा लिखना। उस मेथड को क्या बोलते हैं सर? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बोलेंगे। ओके सर, समझ में आ रहा है इसका? यस सर, समझ में आ रहा है। आपको नहीं थी? यस यस सर, आ रहा है समझ में। सर मुझे डिवाइड में प्रॉब्लम था लेकिन अब मेरा सुलझ गया। कहाँ गया दीप्तांशु? सर यहीं पे हूँ, लिख रहा हूँ। लिखिए। होमवर्क दे रहे बाबू, लिखिए ना इसको। चलिए बाबू, वेरी गुड बाबू। डन सर। सर अभी होमवर्क देंगे? हाँ बाबू होमवर्क देंगे। सर रुकिए सर, साइड होइए। लिखे बाबू। सर इसको ग्रुप में भेज दीजिए। डन सर। सर मैं थोड़ी देर के लिए लीव हो गई थी, एक फोन आ गया था, मैं दूसरे मोबाइल से कनेक्ट कर रही हूँ ना, उसी पे फोन आ गया था। कुछ बता रहे थे क्या? नहीं बाबू। पापा जी आ गए? दीपांशु नो सर। कितने बजे आते हैं बाबू? सर 40 में आ जाते हैं। अभी सर डीआईवाई लगता है। सर डीआईवाई। हां बाबू डीआईवाई। सर एलसीएम और एचसीएफ दोनों मिला के देंगे। हां वो फाइंड द एलसीएम बाबू। खाना दे दियो।
आयुष बाबू खाना दे दिए शैतान, कितना खाएगा पेट में पड़ा, खाना दे दिए। सर वो रद्या बोल रही है। नो सर मैं कुछ नहीं बोली। सर ये कितना इजी ट्रिक है, इससे बस लिखते जाना है नंबर। सर फाइंड द एलसीएम के बाद नंबर आपने नहीं लिखा। फाइंड द एलसीएम ऑफ बाबू, एक नंबर दो नंबर तीन नंबर। सर आप जस्ट लिख रहे सेम टू सेम, हम लोग को भी वैसे लिखना है। सर स्पेस कितना छोड़ेंगे? हाँ बाबू स्पेस ऐसे लिख लो, फिर बाद में बनाइएगा, स्पेस मत छोड़िए। ओके सर। सर सबका चाल चाल सर, एलसीएम के दोनों ट्रिक और एससीएफ के भी दोनों ट्रिक से करना है। हाँ बाबू दोनों करोगे तब ना सीखोगे शैतान। सर एलसीएम का जो आपने नंबर फोर नंबर दिया है ना, वो आप पहले भी दे चुके हैं। फोर नंबर आप पहले भी दे चुके हैं सर। तीस यहाँ कर देता हूँ। वेरी गुड बाबू। सर कैन आई लीव? कहाँ लीव होके जाइएगा? सर आपको तो पता ही है सर। हाँ भूख लग गया।